तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आ गए मुगलसराय में। अब मुगलसराय का पूरा फूड टूर देने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चले गाइस चलते हैं। तो गाइस अब मुगलसराय नहीं रह गया। क्या बोला तूने? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया है। तो आप डीडीयू भी कर सकते हैं, मुगलसराय भी कर सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ का नाम बदल दिया है, तो हम इस ब्लॉग में मुगलसराय कहेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पचफेड़वा महादेव मूर्ति के पास। सामने गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मूर्ति की दुकान है। नेशनल हाईवे 2 से सीधे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मूर्ति का सब समान, संगमरमर का सब है। तो आप अंदर चलकर आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ का दुकान लगा हुआ है, तो आप कोई भी मूर्ति यहाँ से ले सकते हैं। पचफेड़वा में मूर्ति का दुकान है यहाँ पे। तो गाइस अंदर चलकर आपको दिखाते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बजरंगबली का, शिव जी का सभी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इस साइड भी है, तो इस साइड बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो अंदर चलकर आपको दिखाते हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, सभी शिवलिंग है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं गाइज। अभी हम लोग पचफेड़वा के हाईवे पर हैं। और गाइज अगर आपको इलाहाबाद जाना है, कानपुर जाना है, तो आप हाईवे से सीधे निकल जाएंगे। अगर आपको मुगलसराय बनारस जाना है, तो आप नीचे से रोड से जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो गाइज अभी हम लोग आ गए चकिया चौराहा पर। और गाइज सामने आप देख सकते हैं जो मूर्ति स्थापित की गई है, चकिया चौराहा है। तो ये गाइज गणजी प्रसाद की मूर्ति है। और गाइज सामने आप जो देख सकते हैं, वो चकियाँ तेज चली जाएंगी और इधर जाएंगी मुगलसराय। और इधर गाइज आप देख सकते हैं, इधर जाएगी सीधे चंदौली सदर राजा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चकियाँ चौराहा है। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, मुगलसराय स्टेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज चकिया मोड़ से जैसे ही निकलेंगे आप मुगलसराय जाने के लिए, तो गाइज बगल में आपको राइट साइड में एक मानसरोवर पोखरा मिलेगा। तो चलिए वहाँ पे चलकर आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये मुगलसराय का मानसरोवर पोखरा है, तो काफ़ी अच्छा पोखरा है। सड़क से गाइज आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइज अगर सिटी में आप जा रहे हैं, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4 व्हीलर से हैं, तो सीट बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 व्हीलर से, तो हेलमेट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चालान काट लिया जाएगा। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। आप सामने गाइज देख सकते हैं, इस साइड दुकान है और इस साइड दुकान है, तो आप यहाँ से हेलमेट ले सकते हैं। तो गाइज जब हम रेलवे पुलिया पार कर रहे हैं मुगलसराय का, तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए, तो अभी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। गाइज रेल का पुल पार करने के बाद ठीक सामने गाइज आप देख सकते हैं मुगलसराय रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और आप सामने गाइज यहाँ से चलते हैं, चलते दिखाते हैं। जैसे ही आप नीचे उतर कर आएंगे, तो इस साइड में एक रास्ता जाता है सकड़िया चनिया, और इस साइड में सीधे जो रास्ता आप देख रहे हैं, एक कसाई मोहल्ला का जाता है। और गाइज आप सामने आप मार्केट मुगलसराय मार्केट में जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मुगलसराय मार्केट में। गाइज मुगलसराय मार्केट में एंट्री मार लिए हैं। और गाइज सामने आप देख सकते हैं गाइज, ये मुगलसराय का मार्केट है। तो गाइज ये है मुगलसराय का बस स्टैंड, आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये मुगलसराय का बस स्टैंड। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का गेट नंबर 2 है, तो यहाँ से आप स्टेशन में जा सकते हैं। तो गाइज सामने खोआ मंडी है, तो अंदर चलकर आपको दिखाते हैं खोआ मंडी में। तो गाइज ये मुगलसराय का खोआ मंडी है, काफ़ी अच्छा मंडी है खोआ मंडी। गाइज आप देख सकते हैं आदर्श पनीर भंडा, यहाँ पर पनीर मिलता है। एक खोआ मंडी है इसी तरीके से। तो गाइज खोआ मंडी में श्री यागेश्वर महादेव का मंदिर आपको मिल जाएगा, तो अंदर चलकर आपको दर्शन कराते हैं। और आप यहाँ पे हाथ को धो सकते हैं। खोआ मंडी में हमको कौन मिले, देखिए कितना अच्छा प्यार लग रहा है देखने में। सब मस्ती में खेल रहे हैं।
तो गाइस और आगे जाने पर ये सब मार्केट है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट है खोवा मंडी का। ये रहा आपका खोवा मंडी, तो अब चलिए चलते हैं एक नए लोकेशन पर। मंडी से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो कुछ दूर चलने के बाद आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नंबर 2, यहाँ पे गेट नंबर 2 है गाइस, और ठीक सामने गाइस यहाँ पे मंदिर है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फूल वूल ले सकते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी। और आए गाइस गाइस कटे फटे नोट यहाँ पे चलाए जाते हैं, तो अगर आपका नोट फटा है तो यहाँ पे आप चला सकते हैं अगर। तो गाइस ये मुगलसराय के काली जी का मंदिर है, तो हमें चलकर आपको दर्शन कराते हैं। गाइस देखिए काली जी का मंदिर है मुगलसराय। माला फूल ले सकते हैं आप। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं मुगलसराय का एक मस्जिद है, तो काफ़ी अच्छा मस्जिद है मुगलसराय का। गाइस अब हम लोग आ गए हैं मुगलसराय गल्ला मंडी में, और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ मिल रहा है, तो अंदर चलते हैं गल्ला मंडी में दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा गल्ला मंडी में जाने का रास्ता, और यहाँ पे गाइस गुड़ मिल रहा है सब काफ़ी अच्छा, तो अंदर चलकर आप दिखाते हैं गल्ला मंडी में। अभी हम श्याम केसरी सिलेक्शन के पास पहुंच चुके हैं, और मुगलसराय सबसे फेमस जगह है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से है। तो गाइस सामने जो देख रहे हैं पतंजलि प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे बाबा रामदेव का, तो यहाँ पे सामने पतंजलि का प्रोडक्ट मिलता है, और इसके ठीक सामने गाइस परमार कट रहा है, तो अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। अंदर चलते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आपको फूल चाहिए तो फूल खरीद सकते हैं गाइस, यहाँ पे रोड पर ही है, तो आपको इतना सारा फूल मिल रहा है, आप घर पर लगा सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मुगलसराय के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के पास, और ये गाइस लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज है मुगलसराय का। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मंडी में, गाइस यहाँ का मंडी है, तो अभी अंदर चल कर मंडी में आपको दिखा दें। तो गाइस ये मुगलसराय का सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं मंडी है। तो गाइस ये भैया मिल गए हैं हमारे सब्जी मंडी में, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम करण कुमार सोनकर है, और ये सब्जी मंडी है मुगलसराय का? मुगलसराय सब्जी मंडी सवास्ता दिन का नाम उनका नाम चाऊ सवास्ता। अच्छा, ये 25 साल सवास्ता रहा है, उसके बाद सवास्ता जी छोड़कर ही हमारा बेचते हैं। तो गाइस ये मुगलसराय का सब्जी मंडी है। फोटो कैमरा बना दो मंडी का, काफी अच्छा मंडी है मुगलसराय का। यहाँ पे हर एक प्रकार का सब्जी मिल जाएगा आपको, एक तरबूज की हड्डी है। क्या सूचना है? क्या पूछना है? कृपा बहुत नुकसान जा रही है, हमारा माल आ रहा है, फिर भी 10-15 क्विंटल घट जा रहा है, व्यापारी मान ही नहीं रहा है, पैकार बेचने वाले मर जा रहे हैं, मंडी को भी सरकार हटाने वाली है, सरकार की कोई गरीब नहीं है, सरकार को बताना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत महंगा सस्ता हो गया मम्मा। तो गाइस ये मुगलसराय का जूस वाला है, और यहाँ पे चलकर आप दिखाते हैं क्या सीन था। तो ये जूस वाला की दुकान है, जूस बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है भाई साहब, आपको पीना है तो आप यहाँ पे आइए, जूस पीजिए, जितने भी गाइस आइए सब लोग पीजिए यहाँ पे,
बहुत पुरानी दुकान है भाई साहब, तो बहुत टेस्टी जूस बना के देते हैं, हर प्रकार का जूस मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हर प्रकार का जूस मिलेगा, तो आप पीना चाहेंगे तो यहाँ पे आकर पी सकते हैं। और ये भैया हैं तो जूस दिलाते हैं। तो गाइस ये है मुगलसराय का सनशाइन होटल, सनशाइन स्प्रिंग स्काई और सनशाइन होटल। तो गाइस यहाँ पे मुगलसराय का सनशाइन होटल है। तो गाइस जो सामने जो देख रहे हैं सिटी कार्ड है मुगलसराय का, तो यहाँ पे हर प्रकार का कपड़ा आपको मिलेगा, तो आप लेना चाहेंगे यहाँ ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कैलाशपुरी, और ये यहाँ का मंदिर है कैलाशपुरी का, और ठीक सामने गाइस वहाँ पे जो रास्ता जाता है वहाँ पे, तो सीधे कैलाशपुरी तक चला जाएगा। गाइस जिससे हम पड़ाव के दत्तारा बाबा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, और गाइस सामने आप देख सकते हैं ये दत्तारा बाबा का मंदिर है, दत्तारा बाबा का मंदिर है, अंदर सरकार आपको दिखाते हैं दर्शन कराते हैं। तो गाइस ये है दत्तारा बाबा का मंदिर, आप देख सकते हैं गाइस ये दत्तारा बाबा का मंदिर है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं गाइस। देख सकते हैं वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक घंटी घंटी टांगी गई है, अब बड़ा से लेकर छोटा तक पूरा घंटी, और सबसे बड़ा घंटी का ये है, देखिए ये सबसे बड़ा घंटी है, आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घंटी घंटी है, तो ये गाइस सबसे बड़ा घंटी है, तो आप देख सकते हैं। गाइस आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद है, पसंद लाइक करिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करिए, मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।